हर दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम तुषार है और आप देख रहे हैं टेक तुषार। आज की वीडियो होने वाली है iOS और Android के बीच। भाई iOS इज बेटर देन Android इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। मतलब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो गेमर्स हैं, प्रोफेशनल गेमर्स हैं, वो iOS पे स्विच करते हैं, मतलब iOS में गेमिंग करते हैं एंड उससे ही लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? एंड यहाँ पर हमें इतने तगड़े तगड़े फोन भी देखने मिलते हैं एंड्रॉइड में। जैसे कि एंड्रॉइड की बात करें तो ROG 5 है, यहाँ पर इतनी सारी चीज देखने को मिलती है, फीचर्स वगैरह इतने सारे देखने को मिलते हैं, टच सैम्पलिंग रेट बड़े देखने को मिलती है, बैटरी इतनी बड़े देखने को मिलती है, 6000 की बैटरी है उसमें एंड रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने को मिलता है एंड स्क्रीन भी बढ़िया देखने को मिलती है, प्रोसेसर भी बढ़िया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम iOS को कंपेयर करें इस वाले फोन से, ROG 5 से, तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर एंड्रॉइड में, एंड्रॉइड ROG 5 में ट्रिगर भी देखने को मिलते हैं, ट्रिगर जो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर iOS में ना कि यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट इतना अच्छा मिलता है, स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं मिलती, रिफ्रेश रेट इतना नहीं है और बैटरी भी इतनी नहीं है। एक सिंपल फोन है, जब भी यहाँ पर बड़े जो गेमर्स हैं, प्रोफेशनल गेमर्स, वो भी iOS में ही गेम खेलते हैं एंड प्रेफर्ड भी करते हैं iOS में। तो मेरे पास एक क्लिप भी है, एक दो क्लिप भी है, स्काउट गेमिंग है, वो एंड्रॉइड में गेम प्ले कर रहे थे, उसके दौरान उनको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिला वो आज इस वाली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, दिखाऊंगा वो क्लिप और आप लोगों को ये बताऊंगा कि iOS क्यों बेटर है एंड्रॉइड से, ऐसी क्या क्या चीज है कि एंड्रॉइड थोड़ा सा पीछे रह जाता है iOS से इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। सो वेयर वेस्ट आवर टाइम, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्काउट गेमिंग की। तो वो जब BGMI एंड्रॉइड फोन के लिए लॉन्च हुआ था, तो वो ROG 5 में गेम प्ले कर रहे थे, तो उसके दौरान उनको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिला, तो वो क्लिप दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ वो वाले क्लिप। आई नीड बड़ा स्टाइल लगती है ये मदर, मेरे को समझ नहीं आता यार, एंड्रॉइड कितना इतना चूतिया एंड्रॉइड क्यों है भाई ये फोन भाई, फकल भाई, iOS में जल्दी लॉन्च हो यार। टॉप 15 हो गया ब्रो, हैट्स अप टू द प्लेयर्स हु प्ले ऑन एंड्रॉइड यार, हैट्स अप टू द प्लेयर्स, एंड्रॉइड लिटरली सक्स, एंड्रॉइड सक्स भाई, मैं दिखाता हूं क्या सक्स होता है, मैं दिखाता हूं, लेट्स शो यू, एंड्रॉइड लिटरली सक्स, चोक नहीं यार, चोक नहीं था भाई, एंड्रॉइड सक्स। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो ये वाली देख ली है, तो आप लोगों ने देखी है कि वीडियो में क्या भसड़ मचड़ी है, मतलब एंड्रॉइड फोन में जब वो गेम प्ले कर रहे थे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो फर्स्टली बात एंड्रॉइड फोन से शुरुआत करते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ मुझे क्या लगता है। तो फर्स्टली मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो है डेवलपर्स की, डेवलपर्स इतने डेवलप्ड नहीं कर पाते हैं उन एप्लीकेशंस को, कि यहाँ पर iOS में चेक करोगे तो ज्यादा MB की एप्लीकेशंस रहती है, बल्कि यहाँ पर वही सेम एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर देखोगे तो कम MB की रहती है। यहाँ पर डेवलपिंग में कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर एंड्रॉइड फोन में इतने अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं करते एप्लीकेशन, और हो सकता है कि iOS में ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप्ड किया गया हो, जिसकी वजह से एप्लीकेशन ज्यादा ऑप्टिमाइज रहती हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती हैं और साइज भी ज्यादा रहता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे ये लगती है। सेकंड यहाँ पर बात हो जाती है पूरी की पूरी OS पे। तो यहाँ पर एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, तो जिसकी वजह से कंपनीज क्या करती है, अपना सारी चीजें, मतलब अपनी नहीं बनाती, दूसरों कंपनियों की यूज करती है। कैमरा देख लो, स्क्रीन देख लो और प्रोसेसर एंड इनका OS भी। OS में ये क्या काम करते हैं कि जैसे गूगल है, गूगल ने स्टॉक एंड्रॉइड है, गूगल का ही एंड्रॉइड है, तो कंपनीज क्या करती है गूगल से एंड्रॉइड उठाती है क्योंकि वो ओपन सोर्स है, स्टॉक एंड्रॉइड उठाती है और अपनी चीजें डालती है, अपनी एप्लीकेशन से डालती है, कस्टमाइज करती है स्टॉक एंड्रॉइड को, अपना OS बना लेती है एंड नाम दे देती है MIUI करके एंड मतलब अलग अलग तरीके का नाम दे देती है अपनी अपनी कंपनी। iOS में सिर्फ एप्पल में ही आपको iOS देखने को मिलेगा, सिर्फ iOS, क्योंकि यहाँ पर एप्पल अपनी प्रोसेसर यूज करते हैं एंड अपने ही OS यूज करते हैं, सब कुछ अपना रहता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन अच्छे तरीके से वर्क करती है। एंड जैसे कि एंड्रॉइड है ना, तो अलग अलग जैसे प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, क्योंकि OS किसी और का, प्रोसेसर किसी और का लगा देते हैं और OS भी किसी और का, अपना नहीं कस्टमाइज करके लगा देते हैं, तो इसकी वजह से अलग अलग चीजें हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इतनी स्टेबल एंड इतना कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाता है। तो थोड़ा सा गेमिंग में क्या होता है कि फ्रेम ड्रॉप सडनली कभी कभार ड्रॉप्स मिल जाते हैं कभी कभार, जैसे कि हमारे पास पोको X3 प्रो है, वैसे 20,000 का है प्राइसिंग उसकी एंड अभी हमने स्विच करा है iPhone 11 पे भी, तो इसकी भी परफॉर्मेंस बताऊं तो हमारा जो पोको X3 प्रो है उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया है, मतलब उसमें प्रोसेसर वगैरह सब कुछ चीज है, पर बात फंस जाती है यहाँ पर OS की, जो मुझे लगती है कि OS उनका इतना अच्छा नहीं है, अब भी हीटिंग इशू उन्होंने अभी रिजोल्व करी है, बट बात करें तो OS की, तो OS इतना अच्छा नहीं है और इसकी वजह से थोड़ी स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड हल्के फुल्के सडनली मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं।
लेकिन इसमें क्या है, हमने अभी आईफोन 11 पर भी स्विच किया है, इस पर क्या है कि भाई साहब इसमें मुझे, मैंने इसमें गेम प्लेज अभी करके आया हूँ मैं जस्ट, तो उसमें भी मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देख रहा हूँ मिले हैं, एंड अब मैंने इसमें भी गेम प्ले किए हैं, तो इसमें मुझे 60 FPS तो 60 FPS ही देख रहा हूँ मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूँ तो एंड्रॉइड में भाई एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप उसमें, एंड इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि 50,000 में मुझे ये मिला है। एंड्रॉइड में मैं अगर इन्वेस्ट करता 50,000 रुपये जैसे कि ROG 5 ही ले लेता, उसमें भाई साहब RGB मिलती मुझे एंड गेमिंग चीज़ मतलब बिल्कुल गेमर फील होता, लेकिन इसमें नहीं होता ना, एंड उसमें बैटरी भी अच्छी नहीं है, टच भी सैम्पलिंग रेट इतना अच्छा नहीं लगा और रिफ्रेश रेट भी इतना अच्छा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ROG 5 में मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती। तो देखा जाए तो एंड्रॉयड फोन बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, एकदम प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बात हो जाती है यहाँ पर जो मैंने बताया अभी कि OS वगैरह है, एक दो चीज़ें। तो एंड्रॉयड फोन्स में थोड़ी सी मतलब जैसे कि दूसरों के प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, दूसरों का कैमरा यूज़ किया जाता है, दूसरों का सिर्फ OS दूसरों का उठा लिया, कस्टमाइजेशन अपने तरीके से किया जाता है, तो उसकी वजह से इतना अच्छा आउटपुट नहीं देखने को मिलता, एंड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर प्राइसिंग की भी बात करें तो जैसे मैं कह रहा था ना कि 50,000 रुपये अगर मैं ROG में लगाता ना तो भाई इतनी सारी चीज़ें मिल जाती, लेकिन iOS में मैंने ये 50,000 रुपये खरीदा है, इतनी सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो एंड्रॉयड सस्ता है iOS से, एंड iOS महंगा भी है इंडिया में, वैसे बाहर तो सस्ता है लेकिन iOS में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, जब इंडिया में आ जाता है तो प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है एंड ओवर प्राइज्ड लगते हैं मेरे को, और रहते भी हैं ओवर प्राइज्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, iOS में इतनी सारी जो सारी चीज़ें दी रहती हैं ना तो वो इतने अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, तो दिल इस पर आ जाता है, मतलब सारी चीज़ें मतलब जो देते हैं ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से देते हैं, जैसे कि 12 MP का कैमरा दे दिया तो 12 MP के जैसा ही वर्क करेगा। बट यहाँ पर एंड्रॉइड के बारे में देखे जाए तो नंबर गेम खेला जाता है, जैसे कि एंड्रॉइड में 48 MP का दे दिया पर 48 MP वाली क्वालिटी नहीं है, तो ऐसे कुछ करके। तो ये था मतलब एंड्रॉइड फ़ोन बेटर नहीं है iOS से। तो दोस्तों ये था कुछ छोटा सा कंपैरिजन, एंड मैंने बता दिया और वीडियो भी दिखाई कि कैसा एक्सपीरियंस रहा गेमर्स का, और मैंने ये बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, एंड करते हैं इस वीडियो को, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब, मिलते हैं ऐसे बड़े वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।